गुरुवार को मुजफ्फरनगर में जानसठ क्षेत्र गांव चितौड़ा में जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष ने मारपीट करते हुए दूसरे पक्ष की महिला समेत कई लोगों को घायल कर दिया। वारदात के बाद पीड़ित पक्ष ने घायल महिला को उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराते हुए आरोपियों के विरुद्ध थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की गुहार पुलिस से लगाई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गांव चितौड़ा निवासी हैदर मौजूदा समय में परिवार समेत दिल्ली में निवास करता है, जबकि हैदर के खानदान के अन्य लोग गांव चितौड़ा में ही रहते हैं। हैदर के अनुसार उनकी व उनके खानदान के अन्य लोगों के बीच अभी तक जमीन का कोई बंटवारा नहीं हुआ था, परंतु इस बार गांव आने पर उसे व उसके चाचा को पता लगा कि जमीन का बंटवारा हो चुका है, जिसके बाद जब हैदर के चाचा ने परिवार के अन्य लोगों के पास पहुंचकर इस बंटवारे को गलत बताते हुए इस पर आपत्ति जताई तो परिवार के लोग आग बबूला हो गए। इसी बीच पीड़ित द्वारा आरोपियों से बंटवारे के कागज मांगने पर आरोपियों द्वारा पीड़ित के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। जब पीड़ित के परिवार ने यह नजारा देखा तो पीड़ित परिवार की एक महिला बीच बचावे के लिए लड़ाई के बीच में आ गई, जिस कारण आरोपियों व उनकी महिलाओं द्वारा पीड़ित पक्ष की महिला के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इसी बीच आसपास के लोगों ने बीच बचाव करते हुए मामला शांत कराया, लेकिन मारपीट के दौरान पीड़ित पक्ष की महिला को ज्यादा चोट लगने के कारण महिला की हालत खराब हो गई तथा पीड़ित पक्ष महिला को लेकर अस्पताल की ओर भागा। अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों द्वारा महिला का उपचार शुरू कर दिया गया है। वहीं इस मामले में पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के विरुद्ध थाने में तहरीर देते हुए कार्यवाही की गुहार पुलिस से लगाई है। मेरा नाम हसन है। कहां के रहने वाले? ये रहने वाला मैं चितौड़ा का हूं। अच्छा, क्या मामला है बता? ये सर, ये मामला है जमीन के ऊपर घर के। अब ये हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से हम आए तो बंटवारा हो चुका है। ये कह दिया कि इधर का हिस्सा तेरा, इधर का हिस्सा तेरा। अब ये जो इधर का हिस्सा है तो वो जाता है, कहते हैं महंगा, उसमें मिल रहा है मुनाफा कम से कम 7 लाख रुपए का। इधर के हिस्से में घाटा हो रहा है तो उन्होंने अपना ये नहीं देखा कि जब वे जो दोनों भाई आके बंटवारा आपस में करते वो एक तरफ ही बंटवारा हुआ है। तो इसी चक्कर में ये मेरे चाचा गुजार रहे हैं, ये अपना हक मांगने गए तो वे पेपर उन्होंने मना कर दिया। तो फिर वे कहने लगे चलो मेरा, चलो पेपर तो दे दो, जब बंटवारा कर दिया तो पेपर तो दे दो। तो वो कहने लगे तुझे पेपर भी नहीं देने का, तुझे जान से मार देगी। तो फिर इतने में उन्होंने गाली फाड़ देने लग गए, मारने लग गए। तो फिर एकदम से ये भी हाथ पाई करने लगे तो उनकी लोटियाँ ना आगे इनको बजाने शुरू कर दिया, बाल उल पकड़ लिए बहू ने और उनकी लड़कियों ने भी। फिर इतने में हमारी छोटी बहन चाचा को देख के चली गई बीच में, तो बीच बचाव में उसके भी बाल पकड़ के नीचे गिर जाते हैं। फिर मौके पे हम गए, फिर गांव वाला है सारे के सारे, फिर बीच बचाव छुड़वा दिया। फिर अब इनकी हालत खराब हुई, हम थाने ले गए।